तो मुद्दे की बात में आज बात होगी वायनाड की भी, रायबरेली की भी और ईवीएम पर हो रही सियासत की भी। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप बैस साहब बीजेपी के युवा चेहरे हैं, राहुल सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का चेहरा है और राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष गुप्ता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, बड़ी खबर यह नहीं कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे, खबर यह निकल के आई कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी वायनाड से, आपकी प्रतिक्रिया? तिलक भाई, सच्चाई यह है कि राहुल गांधी कभी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े और जीते। संभवतः उन्हें लगा कि अगर कहीं वायनाड से इस बार हार गए तो रायबरेली जीत जाए, एक सीट रख लू। अगर ऐसा होता तो जो लालू यादव की 3 संतानें चुनाव लड़ सकती हैं तो प्रियंका गांधी तो फिर भी काफी एलिजिबल हैं, बिल्कुल अच्छा बोलती हैं, पूरे यूपी को संभाला उन्होंने, एक बार नहीं 2-3 बार संभाला है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष के हौसले ठीक थे, ईवीएम पर लगातार अटैक चल रहा था, ऐसे में प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ाकर कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया कि परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति ही नेता बनेगा। और क्योंकि राहुल गांधी जी दोनों सीट जीत गए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रियंका गांधी के अलावा किसी और को सीट देने का, क्योंकि जैसे ही ऐसा हुआ नहीं है, मैं समझा नहीं गुप्ता जी आपकी बात। अरे अगर उन्होंने प्रियंका गांधी के अलावा यह सीट किसी को भी दे दी, चाहे वो रायबरेली होती या वायनाड होता, इन सबों को फर्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता कि भाई बहन के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। और सपोज करो उल्टा होता, राहुल गांधी कहते मैं वायनाड से बड़ा रहूंगा, रायबरेली से प्रियंका जीत जाएगी, तो वहां ये कंफर्म हो जाता कि रायबरेली से प्रियंका गांधी जरूर जीत जाएगी और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पॉपुलरिटी पर थोड़ा सा नहीं, मनीष जी आपकी दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है, या तो वो खुद लड़वाना नहीं चाह रहे, फिर आप कह रहे हो वो लड़वा भी रहे हैं। वो लड़वाना नहीं चाहते थे इसलिए मौका नहीं दिया, लेकिन अब मजबूरी हो गई है, अगर सीट छोड़ेंगे तो देंगे किसे? अगर प्रियंका गांधी को नहीं दी तो कहीं घर में जूता पैजार ना हो जाए, इस बात का डर है कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में देनी पड़ रही है, मजबूरी में सीट देनी पड़ रही है। राहुल जी, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं सीट तो मजबूरी में, फैसला मजबूरी में लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी चुनावी पिच पर पहली बार। आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। तिलक सर, देखिए मैं कहूंगा कि ये तो ऊपर के जो हाई कमांड के लोग होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, जो बैठते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो बैठते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं भाई कि कौन पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो प्रियंका गांधी जी ने इलेक्शन का बहुत भार अपने कंधे पे लिया था, हम सबने देखा स्टार प्रचारक बनके उन्होंने कैसे हर जगह रात दिन एक करके प्रचार किया। तो सिर्फ एक जगह से वो नहीं लड़ना चाहती थी, पूरे देश में उन्होंने प्रचार का काम किया और पार्टी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया, तो जनता का बहुत आभार है हम प्रकट करते हैं। और अब जब दो जगह से जीत गए राहुल गांधी जी, तो एक जगह से प्रियंका गांधी जी खड़ा होना चाहती हैं, तो इसमें दिक्कत की तो कोई बात है नहीं। और दूसरी पार्टियों को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, तो किसी भी पार्टी का अपना मामला है ना। नहीं नहीं, मनीष जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो पार्टी से नहीं है किसी, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मसला परिवार का भी हो गया और बाहर सीट भी नहीं देनी है तो मजबूरी में दी गया प्रियंका गांधी को, अगर लड़वाना था तो पहले भी लड़वा सकते थे। आप तो देखे हैं कि हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता को सीट मिला और जीत गए, तो सही कह रहे हैं मनीष जी, वो जी कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता ने मंत्री को हरा दिया स्मृति ईरानी को। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ सहमत हूँ कांग्रेस की बात से, उनका कार्यकर्ता अच्छा निकला, उसने स्मृति ईरानी को हरा दिया और अच्छे मार्जिन से हराया, मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन यहाँ कौन सी मजबूरी थी जब प्रियंका गांधी को 2024 के इलेक्शन में टिकट नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? और ऐसा पूरे कांग्रेस में, सुनिए, पूरे कांग्रेस में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण नेता है जिसको टिकट ना मिली हो? नहीं, तो उन्होंने तय करना था ना, वो उनको टिकट, ये थोड़ी ना कि आप ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी टिकट मांगेंगी, ये तो प्रियंका गांधी को तय करना था। अरे ऐसा नहीं चलता ना भैया गुप्ता जी, आप एक तरफ का तो परिवार की पार्टी और दूसरी तरफ कार्य, आप ऐसा नहीं चलता कांग्रेस। तो परिवार का जो मुखिया है वो नहीं चाहता ना कि उसके किसी दूसरे को अटेंशन मिले,
अगर लोकसभा में दोनों लोग पहुंच गए तो कभी राहुल गांधी कभी प्रियंका गांधी मीडिया का अटेंशन आधा आधा बढ़ जाएगा ना। अगर मीडिया का अटेंशन आधा आधा बढ़ जाएगा तो राहुल गांधी की फुटेज कम हो जाएगी। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, सच्चाई कह रहा हूं। इतना धूम में क्यों करना चाहते हैं, मतलब विपक्ष के बिना लोकतंत्र का क्या होगा सर? आपकी बनाई हुई नीतियों पे कौन सवाल उठाएगा? आप मुझे बताइए प्रमोद कृष्णम ने पार्टी क्यों छोड़ी? इसलिए कि प्रियंका गांधी को मौका नहीं मिल रहा था। काले कानून लाए थे फार्मर के लिए, प्रियंका गांधी के सारे सपोर्टर हट गए, छोड़ के चले गए। काले कानून आप इसलिए कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आने से नहीं रोका। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आने से रोका, फैसला दिखा दिया है। आप 240 तक आ गए हैं, अगर ऐसी कंटिन्यू रहे तो यार पौके नीचे जाना पड़ेगा। हमारे लोग की बात ना करो, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आगे आने से रोका। राहुल गांधी को जनता ने मत दिया है, उनको क्या करना है, प्रियंका गांधी जी को पार्टी ने क्या कहा, ये हम देख लेंगे सर। ये पार्टी तो मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी के साथ अन्याय हो रहा है सर। आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कितने अन्याय हो रहा है इसमें बिल्कुल आप टेंशन ना लें, पार्टी देख लेगी सर। पार्टी में किसी का अन्याय, पार्टी के मुखिया अगर राहुल गांधी हो तो पार्टी क्या देखेगी भाई? सर हमारे अभी अध्यक्ष हमारे खड़गे जी हैं और पूरी दुनिया जानती है कि खड़गे साहब की कितनी चलती है। ये पूरी दुनिया भाई आप नहीं जानते, खड़गे जी सुन के आप किसी भी सुनिए, आप किसी पोस्टर पर दिखा दीजिए राहुल गांधी का फोटो छोटा और खड़गे साहब का फोटो बड़ा। देखिए हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, आपके सिलेक्टेड प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी। हमारे आपके ही बात ना करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई एक जगह राहुल गांधी को फुटेज का सुनिए, चुनाव की मीडिया में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को फुटेज कम और खड़गे साहब को ज्यादा हो सकता कोई केस दिखा दीजिए किसी पोस्टर में राहुल गांधी का फोटो छोटा हो। एक आपका लड़वाने का काम है। राहुल जी वो राजनीतिक विशेषक है, आप उन्हें बीजेपी नेता समझ रहे हैं ये। आई एम सो सॉरी। हाँ एक मिनट मैं बीजेपी नेता को ले आता हूँ। प्रदीप जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ तिलक जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। प्रदीप जी जी अब तक आप इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कब कब कब, आप लोग रोज पूछते थे, दिन रात पूछते थे कब चुनावी पिच पर उतरेंगी। फैसला हो गया, वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तिलक जी मैंने कभी नहीं पूछा प्रियंका जी कब उतर रही हैं। अच्छा आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि प्रियंका गांधी कब उतरेंगी चुनाव में? तो मैंने कभी नहीं पूछा सर। आपके नेता तो वहां अमेठी में नारे लगा रहे थे कि आ जाओ प्रियंका गांधी जी को उतार दो अगर राहुल गांधी नहीं लड़ रहे तो, और वहां आप कार्यकर्ता ने आपको चुनाव हरा दिया, हराया ना सर। लोग तो इसलिए तो ये तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सार्वभौमिक सत्ता है। हाँ सर ये मत बोलो ना, हम लोग कभी कहा नहीं कि प्रियंका गांधी की राजनीति को लेकर हमने कोई दिलचस्पी नहीं ली। थोड़ा तो पहले भी चल लेते हैं ना, विधानसभा के भी तो चुनाव हुए थे प्रियंका जी, उसमें भी तो आई थी, लड़की थी, लड़ सकती थी, अब लड़ रही है, अच्छी बात है। लड़ तो रही है मैडम, पर यूपी से नहीं लड़ रही है ना। अच्छा यूपी से नहीं लड़ रही है। नहीं जो जो स्थिति बताई गई बनाई गई, जैसे मेरे यहाँ लाइट चली गई सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लाइट चली गई, चलिए भगवान के आशीर्वाद से आ गई, नहीं तो आपके कार्यकर्ता होते तो मैं उनसे पूछता कि भाई क्या है। अच्छा मतलब लाइट भी चली गई इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, जेल में बंद है, हैं? क्या गजब करते हो प्रदीप जी आप भी। अरे तिलक जी क्या हम आवाज भी नहीं उठा सकते? मैं दिल्ली का मतदाता हूँ और अपने मुख्यमंत्री से इतनी सी, आप लोग सत्ता में है और आप कह रहे हो कि हम आवाज नहीं उठा सकते। दिल्ली का बिजली विभाग जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में है सर। वहां रेल दुर्घटना हो जाती है फिर कहते हो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, है ना सर? अभी मुद्दे पर आइए, अभी फिलहाल मुद्दे पर आइए। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग सामने कोई मुख्य चेहरा उतारेंगे या फिर वॉकओवर दे देंगे? समय बताएगा, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि ये इंडिया अलायंस का जो बताया जाता ना कि इंडिया अलायंस है, आप बताइए केरल में चुनाव हुए कौन किसके खिलाफ लड़ा था, कौन किसके साथ लड़ा था और कौन कितने जीत के आया है? अगर एक नजर इस पर भी डाली जाए तो आने वाली तस्वीर एकदम से साफ होती दिख रही है। वो ओपी राजभर है आपके सहयोगी है यूपी में, उनका बयान सुना है आपने? नहीं अभी आज का कुछ हो तो नहीं सुना, पहले का अगर हो तो आप बता दे। नहीं आज का मंच में से कह रहे हैं कि वो मोदी योगी का जादू खत्म हो गया, कुछ इस टाइप का बोल रहे हैं आपके सहयोगी हैं। वो स्वतंत्र है ऐसी बात करने के लिए। अभी तो आप कह रहे थे इनका मतलब इनका अलायंस स्वतंत्र नहीं है, आपका स्वतंत्र है क्या? राजवल जी हमारे चुनाव में हमारे विपक्ष ने किसी प्रत्याशी को खड़ा किया था सर? मुझे तो टिकट दिया था आपने परिवारवाद के तहत। नहीं
तो मैंने ये कहा ना कि अगर उनका हमसे अलायंस था तो क्या उन्होंने हमारे किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई प्रत्याशी अपना उतारा था क्या? प्रत्याशी तो नहीं उतारा था, लेकिन टिकट आपने दिया था उनके परिवार, उनके बेटे को टिकट दिया था। तिलक जी आपने जवाब दे दिया। अरे इस हिसाब से तो राहुल जी प्रियंका जी को दे रहे हैं, वो उनका परिवारवाद नहीं हुआ क्या टिकट? अभी हाल ही के अभी उसी पर चर्चा कर रहा है। बहरहाल हम आते हैं उसको। अच्छा ये परिवारवाद है। खैर लाइव में कमेंट आया, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूँ। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आ गया लाइव में ही। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका मतलब कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में जाकर स्मृति ईरानी को चुनाव हरा सकता है और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के सामने चुनौती देनी है, तो क्यों नहीं स्मृति ईरानी को चुनाव लड़वा दो, पता चल जाएगा। कैसा आइडिया? नहीं, अगर जनता के विचार है तो निश्चित तौर पर बड़े उच्च विचार है, लेकिन ये तो अब कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ भी तो आपको लगता है कि स्मृति ईरानी अगर चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी के सामने तो हरा देंगी? देखिए हर कार्यकर्ता हर प्रत्याशी मेहनत करता है, तैयारी करता है। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वायनाड की जो स्थिति है, जो जैसी स्थिति है उस पर तो ये समय ही बताएगा, लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता और एज ए पार्टी हम कहीं भी किसी से भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले तैयारियां। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ सकती है वहां से? पर मैं ये नीति नहीं निर्धारित कर सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं अपनी बातें को रखने के लिए अपनी पार्टी की बात रख सकता हूँ आपके समक्ष। ये बड़े निर्णय है और इसके लिए पार्टी आला कमाल तय करेगी। मैं जबरदस्ती या बहुत प्रीमेच्योर होगा या जिस नहीं, ये फैसला जो कांग्रेस के घर से आया थोड़ा डिफेंसिव लग रहे हैं आप प्रियंका गांधी को लेकर। सब ठीक है की क्या बात सर? चाला सर डिफेंसिव बोलने की क्या बात है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल जी कभी डिफेंसिव नहीं रहते, हमेशा अटैक अटैक करते रहते हैं और कई चुनाव होंगे अभी। देखिए हो सकता है कि अगर अभी अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो दहाई के आंकड़े से पार नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो इस बार जो है दोनों लोकसभा सीटों से लाखों वोटों के मार्जिन से जीते हैं, 3-3 लाख है ना, 4-4 लाख। 2002 से वो ट्राई कर रहा है, 2024 में अब इतनी भी सफलता नहीं मिली तो भारत भूमि का कोई व्यक्ति इतना भी गड्ढा नहीं है कि कम से कम 22 नहीं। आप तो कह रहे थे कि रायबरेली हार जाएंगे, लेकिन ये तो रायबरेली भी जीत गए। अब क्या सर, हम अगर विरोधी की थोड़ी सी जो है पक्ष रख रहे तो आप उसमें भी प्रश्न करेंगे। भाई राहुल गांधी जी 2002 मेरी जहां तक याददाश्त है 2002 से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी सक्रिय राजनीति में है, और 22 वर्षों के बाद अगर वो कहीं दो जगहों से चुनाव जीतते हैं अच्छे अंतर से तो इसमें बुरा ही क्या बात है? हमारी लोकतंत्र की आदमी संघर्ष करता रहता है, रगड़ से जन्मति हो सुझाव हो गया उनका, तो वो जीत गए। जानकारी नहीं है? अरे एक दो बार सांसद नहीं रहे, आप कह रहे हैं पहली बार सांसद बन रहे राहुल गांधी, आप क्या कह रहे हैं? मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 22 वर्षों से उनको कई बार लॉन्च किया गया और वो अगर दो चीजों से जीत गए तो उसमें बुराई की क्या बात है? इसमें तो अच्छी बात है। सर लॉन्च नहीं किया गया 2004 में, एमएटी से पहली बार एमपी बने थे राहुल गांधी जी, इसमें लॉन्च करने का क्या है? सर राहुल जी से दूसरे राहुल सिंह जी 2009 में भी जीते, 14 में भी जीते, अरे हैट्रिक मारे हैं, हैट्रिक मारे हैं, 3 बार लगातार एमपी का चुनाव जीते हैं। आप कह रहे हैं कि लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च होना होता है? चुनाव जीतना और पार्टी का नेतृत्व करके प्रूफ को जिताना, इसमें अंतर नहीं होता है क्या? 22 वर्षों से प्रयास कर रहा है कांग्रेस को ले आने के लिए, वो पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं। अरे 3 चुनाव नहीं आ रहे हैं आप लोगों का ना, उलट फेर कर दो पॉलिटिक्स का, अभी सारे नहीं है क्या समझे? राहुल गांधी आ गए क्या? वो अकेले राहुल गांधी सत्ता में आ गए क्या? खुलासा कर दिए 2014 से राहुल गांधी एक कह सकते हैं जो 2014 से कह रहे हैं कि अडानी के द्वारा दिखी हुई सरकार है बीजेपी सरकार। नहीं आज ये विषय आज ये नहीं है ना, एक मिनट पूजा जी, तो राहुल गांधी जी पे आप लोग क्या आरोप लगाइएगा जी? एक मिनट पूजा जी, ये राहुल गांधी और गांधी परिवार का ये फैसला किस नजरिए से देखा जाए कि प्रियंका गांधी वायनाड और राहुल रहेंगे उत्तर प्रदेश में ही, यानी कि उत्तर का जो जिम्मा है जहां पर कांग्रेस को थोड़ी ऑक्सीजन मिलना शुरू हुई है तो वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? क्योंकि साइकिल पर आप लोगों ने बिठाया उनको। तिलक चावला जी आपको नमस्कार और साथ ही प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं काफी देर से सुन रही थी कि जो है कि प्रियंका गांधी जी वहां से लड़ रही हैं तो फिर क्यों लड़ रही हैं? मुझे लगता है कांग्रेस का नीति मामला लोकतंत्र है, वो जहां से भी चाहे वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़े, उनका जो है डिसीजन उनके संगठन का डिसीजन है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आपत्ति थी कि चुनाव लड़ नहीं रही है,
अब वो चुनाव लड़ रही है तो आप सकते हैं कि चुनाव क्यों लड़ रही है, ये उनकी मर्जी है, उनके संगठन का जो डिसीजन है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है, उनके साथ में मजबूती से, वो चाहे जहां से वो चुनाव लड़े हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। नहीं वो तो ठीक है, अब आपको खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था, जैसे कि मसला परिवार का ही आ जाता है ना, मनीष गुप्ता जी कहना ये चाह रहे थे पहले कि भाई जो आपके परिवार का मसला आ जाता है कि जैसे अब आपके सदस्य जो चुने गए लोकसभा में यादव परिवार के अधिकांश तो वही है ना, उसके अलावा यादव में आपने टिकट नहीं दिया उदाहरण के तौर पर, अब जब उन्होंने विधायकी छोड़ी अखिलेश यादव तो लड़ेगा कौन, कहा जा रहा है तेज प्रताप भी लड़ेंगे। देखिए तो राहुल गांधी सीट छोड़ेंगे तो भी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, आप सीट छोड़ेंगे तो भी परिवार का चुनाव लड़ेगा। चालू जी मैं आंसर दे दूं जी, तिलक भाई छोटी सी बात कहना, चालू जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोकतंत्र के बीच जा रहे हैं, जनता मैंडेट देते हैं तो हम सदन में जाते हैं, अगर मैंडेट नहीं देते तो हम सदन में नहीं जाएंगे। यह तो संविधान की खूबसूरती है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, इस पैनल में बैठे हुए हर लोग चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर पूरा विश्व चुनाव क्यों नहीं लड़ती है प्रियंका गांधी, गुप्ता जी मैंने गलत बात तो नहीं कही ना? नहीं बिल्कुल सही बात कही, जोड़ना चाहता हूँ अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे तो तेज प्रताप चुनाव लड़ेगा, लेकिन प्रतीक यादव को क्या प्रॉब्लम है, अपर्णा यादव को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अखिलेश यादव को डर है कि प्रतीक यादव या अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी तो कहीं उनकी बादशाह को खतरा तो नहीं हो जाएगा। बस यही गांधी आ गई तो ये अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गई थी, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था उनको, चुनाव हार दी, चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी छोड़ दी, वो समाजवादी पार्टी का जाएगा अपर्णा यादव की चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गई थी, आप अपनी अखिलेश यादव के पार्टी के सिद्धांतों के सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कोई ग्राउंडेड बात नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं, आपको पता है अपर्णा यादव जी को टिकट दिया गया था, वो लखनऊ पैर से चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी टिकट दी थी, और चुनाव हारने के बाद मैं तेरा ब्लास्ट करना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, उनको फिर टिकट दिया गया, ये कैसी बात होती है, भाजपा को नहीं दी टिकट, जब उन्होंने अपनी पार्टी को स्वागत किया तो भाजपा टिकट दे गई थी, दूर का रिश्तेदार भी टिकट पा जाएगा, प्रतीक यादव उसी प्रतीक यादव के पुत्र हैं, अपर्णा यादव चुनाव लड़ेगी, क्यों संगठन चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा, वो सत्ता की धुरी के लिए। पूजा जी एक मिनट, दायित्व मिला उनको उत्तर प्रदेश का प्रियंका जी को, है ना, उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला, चुनाव वो दक्षिण से लड़ रही हैं, जो ये माहौल नरेटिव परसेप्शन जो सब कुछ तैयार हुआ, आपको लगता कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी होती तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं चावला जी, मुझे नहीं लगता कि जो है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी होती तो बेहतर होता, या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, नहीं प्रियंका गांधी जी है उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो है कि अगर वो वायनाड से सांसद होती है तो दोबारा उनको प्रभारी नहीं बनाया जा सकता, उत्तर प्रदेश का बनाया जा सकता है, फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के आ सकती है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप पता नहीं क्यों संगठन में बैठे हुए, आप जो है कांग्रेस का भी संगठन जानते हैं, आप समाजवादी पार्टी का संगठन जानते हैं, आप राहुल गांधी की अंतरात्मा जानते हैं, राहुल जी जल्दी से एक एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं दूसरे मुद्दे की तरफ आऊंगा, राहुल जी रहेंगे, फिर उसके बाद प्रदीप जी आपसे, फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आएंगे, ईवीएम बड़ा दिलचस्प मुद्दा है वो जी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये लोग राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों हैं, दो अढ़ाई डिकेट से देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को पैसे लगा लगा के उनका दुष्प्रचार किया जाता है, क्यों एक आदमी से इतना डर क्यों? प्रदीप जी वो कह रहे हैं राहुल फोबिया तब कब तक चलेगा? राहुल फोबिया अगर आपका जो है सर्वोपरि नेता होता है, आपके दल का नेता होता है, तो उसको अगर ट्रॉफी मिलती है तो उसको गालियां भी सहनी पड़ती है, भाई जो कप्तान होता है वही जाता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच जीतने हारने के बाद, तो राहुल गांधी है ट्रॉफी को बहुत बड़े चूर रहे हैं, और चूर की बात नहीं है, वो चूंकि मुखिया है और उस खानदान से आते हैं सहजादे हैं, तो उनको भाई तारीफ मिलेगी तो गालियां भी मिलेगी। एक शहीद के बेटे को आप शहजादा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए सर आपको, कौन से युद्ध में शहीद हुए थे वो तो आतंकवादी हमले में मारे गए थे ना, वो
सर उसको शहीद होना भी कहते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, आप लोगों को ये नहीं बताया जाता क्या? मारे जाते हैं तो उनको शहीद कहा जाता है, क्या बात कर रहे हैं सर? प्रदीप जी एक मिनट, राहुल जी एक मिनट, प्रदीप जी दूसरे पक्ष पे जाइएगा, अटल जी प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, वैचारिक मतभेद होते हैं, होने चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक प्रदीप जी? और अगर उसकी मृत्यु होती है ऐसे हालात में तो कम से कम उसका सम्मान रखना चाहिए। तो मैंने अपमान कौन सा किया? मेरे बस ये विचार में है कि उनको शहीद, तो वो जो सैनिक होता है वो शहीद होता है जो कि युद्ध भूमि में मारा जाता है, शहीद इनके लिए हो सकता है, हो सकता है मेरे जो विचार अलग हो। प्रदीप जी आज राजीव जी का मैंने तो अपमान नहीं किया, मेरे विचार नहीं है कि मैं उन्हें शहीद कहूँ या मानूं। अब आप क्या मानते हैं कि प्रियंका गांधी को चुनौती देगी बीजेपी वायनाड में? निश्चित तौर पर दी जाएगी। ठीक, यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब होगा दूसरा मुद्दा, ईवीएम, ईवीएम का जिन जिंदा है।